नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। पवई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पवई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मुकेश नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियां पूर्ण रूप से विफल रही हैं। पूरे प्रदेश भर में अराजकता का माहौल है। 18 साल के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रशासन को प्रभारियों के भरोसे छोड़ रखा है। नायक ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है। गरीबों का खाद्यान्न अमीरों की झोली भर रहा है। गांव गांव बिजली के लिए लोग तरस रहे हैं और सरकार द्वारा बिजली का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, जिसके परिणाम आने वाले महीने में जनता दिखाने वाली। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा द्वारा अभी हाल ही में 37 भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री सहित 6 सांसद है, जिससे साबित होता है कि केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास राज्य नेतृत्व पर नहीं है और स्पष्ट रूप से बीजेपी की धारणा एवं मानसिकता समझ में आ रही है। कल भारतीय जनता पार्टी की 39 लोगों की सूची जारी हुई है। 39 लोगों की सूची में केंद्रीय मंत्री, लोकसभा के सदस्य और ऐसे नेता हैं जिनका राज्य की राजनीति से पहले ज्यादा संबंध नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन पॉलिटिक्स से। इस सूची से ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी की लीडरशिप पर बीजेपी को भरोसा नहीं है और शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये सूची इस दिशा में इंगित करती है, इशारा करती है। प्रोडक्ट वही है लेकिन लेवल चेंज हुआ है, चेहरे बदले हैं लेकिन परफॉर्मेंस नहीं बदली है। और ये चुनाव कांग्रेस की बीजेपी सरकार के 18 साल के कार्यकाल की परफॉर्मेंस पर इसका ऑडिट वर्क होगा, ये चुनाव का निर्णय होगा। प्रदेश की जनता ने जो देखा है और प्रदेश की जनता ने जो देखा है वो पाप चेहरे बदलने से नहीं धुलने वाले। आप देखिए कि पूरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली चकनाचूर हो गई है। बिजली की इतनी भयानक प्रॉब्लम है ग्रामीण क्षेत्रों में कि बिजली कब आएगी कोई भरोसा नहीं, लेकिन बिल बिल्कुल टाइम पर मोबाइल पर आ जाता है। जिस तरह के बिल लोगों के आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि इस तरह की अराजकता बिजली विभाग में होगी। ट्रांसफार्मर फेल हो जाता है तो 2-2 महीने नहीं बदलते, छोटा सा फॉल्ट आ जाता है तो 3-3, 4-4 दिन गांव अंधेरे में पड़ा रहता है। हितग्राही मूलक योजनाओं का क्या हाल है? विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये 5-5, 6-6 महीने लोगों के खाते में नहीं आती। मध्यान्ह भोजन बनाने वाली महिलाओं को 500 रुपए महीने वेतन मिलता है, पूरी सामग्री की सप्लाई नहीं है और 5-5, 6-6 महीने उनका वेतन उनके खातों में नहीं आता है। आप कल्पना करिए, जिसको आप 500 रुपए महीने तनख्वाह दे रहे हैं वो 5-5 महीने तनख्वाह अगर उनके खाते में नहीं आएगी तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि उनके काम में कौशल होगा, गुणवत्ता होगी, सजगता होगी, अनुशासन होगा। कार्यालयों में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, जनता के रूटीन के कोई काम ऑफिसेज में नहीं होते। आप जाकर कोई भी देख ले किस तरह की अराजकता कार्यालयों में है। पटवारी हड़ताल पर पड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में ज्यादातर तहसीलदार प्रभारी है, मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर्स नहीं है, टीआई नहीं है, एसडीओपी नहीं है, सब प्रभार में है। शाहनगर और पवई के दोनों थाने प्रभार में है, टीआई नहीं है। मध्य प्रदेश में टीआई है ही नहीं, 5 साल से प्रमोशन ही नहीं हुआ है। इसलिए प्रमोशन नहीं हुआ है कि आरक्षण को लेके जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है उसमें ये सरकार कोर्ट में अपना पक्ष ही नहीं रख रही है, अनदेखा कर रही है, अवॉइड कर रही है, इसलिए फैसला नहीं हो पा रहा।
हजारों कर्मचारी रिटायर हो गए, उनके पदोन्नति नहीं हो पाई, उनके वेतन क्रमोन्नति नहीं निर्धारित हो पाई, उनको पेंशन में उसका लाभ नहीं मिल पाया। जब इस तरह की अराजकता मध्य प्रदेश में है तो ऐसे वातावरण में चेहरे बदलने के अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं था। पन्ना में भी ऐसे ही करेंगे। ब्रजेंद्र सिंह यहां से विधायक थे, उनको पन्ना भेज दिया, चेहरा बदल गया। 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का सांसद यहां पर है, हर 5 साल में वो चेहरा बदल देते। कितनी सीटें आ रही हैं कांग्रेस की मध्य प्रदेश में? देखो, इस प्रदेश के जनमानस के मन में क्या है ये कोई एक नेता कैसे बता सकता है, लेकिन जिस तरह की 17-18 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और जो परिवर्तन की भूख दिखाई दे रही है जनता के मन में, और लोग कह रहे जहां भी हम जाते हैं कि इस बार हमें परिवर्तन करना है, इसको देख के लगता है कि कांग्रेस का पूर्ण बहुमत मध्य प्रदेश में बनेगा और कमलनाथ जी दोबारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि पिछली वक्त दफे जनता ने जो अपनी राजनीतिक इच्छा कमलनाथ जी को दी थी इन अलोकतांत्रिक विधर्मियों के कारण सरकार गिरा दी गई, धनबल का उपयोग हुआ, तो जनता की वो इच्छा अभी बची हुई है कि कमलनाथ जी को एक अवसर और मध्य प्रदेश में देना है, तो इसके चलते पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने वाली है और चेहरा बदलने से इनके पाप धुलने वाले नहीं है। बवई से खबर समय जगत के लिए संवाददाता सफी सिद्दीकी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.